बंगाल में जो हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ही अच्छा नहीं है, और इसकी वजह इसका कोई कार्रवाई होनी चाहिए। उसको बार बार दबाया जाता है, ये गलत बात है, होना चाहिए। आप करवाइए, डोंट डिले, डिले मत कीजिए, क्योंकि पूरा देश इंतज़ार कर रहा है कि क्या है करके, क्या होने वाला है। तो जो जो जिसने भी गलत काम किया उसका पनिशमेंट ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि हम सब महिलाएं खुश होंगे इस बात पर। बंगाल बंद सफल हुआ तो ममता बिलबिलाने लगी। ममता बनर्जी को यह बर्दाश्त नहीं हो रही है कि राज्य सरकार की एक डॉक्टर बेटे के खिलाफ हुए दुष्कर्म के मामले में न्याय मांग रहे लोगों का इतना गुस्सा फूट चुका है कि उनके इस्तीफे की मांग जनता कर रही है। यह बर्दाश्त से बाहर है, और यही वजह है कि ममता आज, बता दें आपको, टीएमसी के छात्र विंग के स्थापना दिवस पर बिलबिलाने लगी और कह रही है कि मैं अगले महीने विधानसभा सत्र बुला रही हूं और मैं राज्यपाल को इसके लिए पत्र लिखूंगी कि रेप पर कड़े कानून बनाए जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम राज्यपाल के खिलाफ बाहर जाकर उनके राजभवन में प्रदर्शन करेंगे। अरे ममता बनर्जी, प्रदर्शन कर रहे यहां स्टूडेंट्स पर आप लाठियां बरसा रही हैं। बता रहे आपको, भाजपा नेता प्रियंगू पांडे की गाड़ी पर बम फेंके गए, फायरिंग की गई है, 6 राउंड फायरिंग हुई है, 12-7 से लेकर बनगांव, बनगांव से लेकर मुर्शिदाबाद, सभी जगह ट्रेन रोकी जा रही है। और सफल हुआ बंगाल बंद, बीजेपी ने बंगाल बंद बुलाया था। और बता दें आपको, बंगाल बंद पर ममता बनर्जी ने इसको नामंजूरी दी थी, लेकिन बाद में कोर्ट से झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा था कि इस तरीके से जो कृत्य हो रहा है वो बर्दाश्त से बाहर है, क्या हम एक और रेप का इंतजार कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल को खरी खोटी सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनाई और हाई कोर्ट ने भी सुनाई है। आपको चलिए 5-6 पॉइंट्स मेन जो है वो आपको बताती हूं। सबसे पहले सुनिए, बीजेपी नेत्री हेमा मालिनी ने ममता बनर्जी से क्या अपील की है। साफ कह दिया है कि भाजपा के लोग ठीक कर रहे हैं और वहां छात्र ठीक कर रहे हैं। ममता बनर्जी से अपील है, कब देगी न्याय, सुनिए जरा उनके बयान। देखिए, जो बंगाल में जो हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ही अच्छा नहीं है, और इसकी वजह इसका कोई कार्रवाई होनी चाहिए। उसको बार बार दबाया जाता है, ये गलत बात है। तो हमारे बीजेपी के जो कार्यकर्ता जो उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो तो सही कर रहे हैं, मतलब इस विषय में कुछ जो भी हो, मैं पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, कि महिला के ऊपर एक अत्याचार हुआ था उसका जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी ममता जी से भी इसमें ज़रा सा आप आकर इसका जो भी सही जो होना चाहिए आप करवाइए। डोंट डिले, डिले मत कीजिए, क्योंकि पूरा देश इंतज़ार कर रहा है कि क्या है करके, क्या होने वाला है। तो जो जो जिसने भी गलत काम किया उसका पनिशमेंट ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि हम सब महिलाएं खुश होंगे इस बात पर। तो आपने सुन लिया, अब सीधे आपको ले चलूंगी मैं ममता बनर्जी के बयान पर। दर्शकों, ममता बनर्जी बिलबिलाने लगी, कांपने लगी, डर रही हैं। बीजेपी नेताओं के अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन से ममता बनर्जी को डर सता रहा है कि पश्चिम बंगाल का मुद्दा कब तक जारी रहेगा। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि आज का स्थापना दिवस का मौका हमारे डॉक्टर बिटिया के लिए है जिनके साथ ये बलात्कार हुआ, रेप हुआ और मर्डर हुआ है, और उन्होंने कहा है कि हम उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। भाजपा विरोध प्रदर्शन जानबूझकर पश्चिम बंगाल को बदनाम करने के लिए कर रही है। आपको चलिए सुनाते हैं कि ममता बनर्जी ने किस तरीके से यहां पर अपनी चुप्पी तोड़ी। আপনি আমার বড় বড় কথা বলেন কি, আপনার রাজভবনের কর্মী একজন মহিলা কর্মী, তাকে আপনি নির্যাতন করেন, সে মেয়েটা বিচার পায়নি, ক্রমাটাইজ হয়ে গিয়েছিল, তাকে আমি অন্য জায়গায় চাকরি দিয়েছি, তাকে আমি সরিয়ে দিয়েছি, থাকবার জায়গা করে দিয়েছি, এই কথাগুলো বলতে পারেন না, লজ্জা নেই? কালকে কারা এসেছিল আন্দোলন করতে, ছাত্রছাত্রীরা না গার্জিয়ান টু কল? গার্জিয়ান টু কল, ছাত্রছাত্রীরা কেউ তোমাদের সাথে নেই, শুভ সমাজ নেই, শুভ বুদ্ধির লোকেরা নেই। আচ্ছা বলুন তো, যদি বাংলার লোক হয় তারা নবান্ন চেনে না, তারা রাজভবন চেনে না? আমি তো কালকে দেখলাম রাজভবনের দক্ষিণ গেটেও ঢিল মেরেছে, এরা কারা, এরা কোথাকার, কোথা থেকে এসছে? আমি পরিষ্কার বলে যাই, বাংলা সবাইকে গ্রহণ করে, সবাইকে আসন দেয়, সবাইকে অলঙ্কৃত করে, সর্বধর্ম মানে, সবাইকে ভালোবাসে, কিন্তু কেউ যদি মনে করেন বাইরে থেকে এসে বাংলাকে অচল করবেন, বাংলাকে অশান্ত
বাংলা সচল থাকে। প্রত্যেকটা লোককে যারা মেরেছে খুঁজে বের করা হবে এবং প্রত্যেকে আমরা চাই শাস্তি হোক। কি করবে আমি জানি না, বিজেপি বললেই কোর্ট ছেড়ে দেয়, মানুষ তো শাস্তি দেবে, এটা মাথায় রাখবেন। আমি মানুষকে কথা বলবো না, আইন হাতে তুলে নি। দেখুন আমাদের মতো একটা সরকার দেখান তো, যারা কুৎসা করে টিভি চ্যানেলে গিয়ে, সবাই খারাপ আমি বলবো না, কিন্তু কেউ কেউ তো আছে টাকার বিনিময়ে করেন, তাদের আমি জিজ্ঞেস করব। যখন জুনিয়র ডাক্তাররা প্রতিবাদে স্ট্রাইক করছিলেন দেশ জুড়ে, আমরা কিন্তু ডাক্তারদের বিরুদ্ধে একটা অ্যাকশন নিইনি। তার কারণ আমি মনে করেছিলাম ওদের আন্দোলনটা সঙ্গত, ওরা ওদের বন্ধুর বিচার চাইছে। কিন্তু দিল্লিতে ওরা কিন্তু এফআইআর করে দিয়েছিল ডাক্তারদের বিরুদ্ধে, যেটা সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল এখনো পর্যন্ত যারা কাজে জয়েন করেনি কিছু করবেন না, পরে এটা রাজ্যের উপর ছেড়ে দিলাম। আজকে কতদিন হলো, নয় থেকে আজকে কদিন হলো, 9 তারিখে পুলিশ ডেড বডি পেয়েছে, 10 তারিখে রাত 3টে নাগাদ ডেড বডি ক্রিমেশন হয়েছে, সারা রাত থেকে কাজ করেছে। আমি নিজে 11 তারিখটা বাদ দিয়ে তার কাজ ছিল বলে 12 তারিখে সকালে তাদের বাড়িতে গেছি, তার বাবা মাকে বলেছি বলুন আপনারা কি বলতে চান, আপনারা আমাদের কাছে কি কি চান, আপনাদের কি কি দাবি। আমি পুলিশ কমিশনারকে সাথে নিয়ে গিয়েছিলাম, তার আগে যে কেসটা দেখছে আমাদের পুলিশের, তিনি সমস্ত ভিডিও রেকর্ডিং দেখিয়ে, সিসিটিভি ফুটেজ দেখিয়ে সব রিপোর্ট তার বাবা মাকে দেখিয়ে এসেছিল। আমি শুধু বলেছিলাম আজকে সোমবার, আমাকে শনিবার পর্যন্ত টাইম দিন, মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি 5 দিন, মঙ্গলবারের মধ্যে সিবিআই হয়ে গেল। তার মানে ওরা বিচার চায় না, কেসটাকে জলে ফেলে দিল। আজ কদিন হলো, আজ কদিন হলো ঘটনা ঘটে, ওরা পেয়েছে মঙ্গলবার, সিবিআই অর্ডার হয়েছে কোর্টে সম্ভবত মঙ্গলবার, তাই তো সন্ধ্যাবেলায় কাগজপত্র পেয়ে গেছে। তারপরে মঙ্গলে মঙ্গলে 8, আর একটা মঙ্গলে 15, আজকে বুধবার 16, 16 দিন হয়ে গেল। কোথায় গেল বিচার? বিচার চাইতে হবে, বলতে হবে, বিচার চাই, বিচার চাই, জবাব দাও সিবিআই, বিচার চাই, বিচার চাই, জবাব দাও সিবিআই, ফাঁসি চাই, ফাঁসি চাই, জবাব দাও সিবিআই। আজকেও দুনিয়ার ডাক্তারদের মিছিল আছে, আমি চাই তারা ভালো করে করুক, আমার সমর্থন তাদের প্রতি ছিল আছে থাকবে, তারা অনেক পরিষেবা দেয়। সাথে সাথে আমি বলবো, আপনারা তো মানবিক, আপনারা তো অঙ্গীকারবদ্ধ মানুষকে সেবা দেবার জন্য, সুপ্রিম কোর্ট রিকোয়েস্ট করেছে সবাইকে কাজে যোগ দেবার জন্য, অনেক মানুষ পরিষেবা না পেয়ে মারা গেছে, এরা গরিব লোক, যারা বড় লোক। तो आपने सुन लिया, उन्होंने कहा कि मैं भी छात्र परिषद में रह चुकी हूं, इस तरीके से कभी अराजकता नहीं देखा। ममता बनर्जी ने अपने सरकार के खिलाफ ही अराजकता का वर्ड यूज किया है, क्या ये जनता पूछ रही है? अराजकता तो पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही है। यहां पर बता दें आपको, जगह जगह पश्चिम बंगाल बंद का असर दिखने लगा है। देखिए अमित मालवीय ने एक फोटो शेयर किया है जहां पर दुकानें बंद है। बंगाल बंद का असर, भाजपा को बेहद खुशी है कि हमारी जो मेहनत है वो रंग लाई है। बता दें आपको, अग्निमित्रा पॉल से लेकर लॉकेट चटर्जी से लेकर रूपा
गांगुली, सभी बीजेपी नेत्रियां यहां पर, बता दें आपको सभी बीजेपी नेताओं ने शक्ति दिखाई है, एकजुटता दिखाई है और राज्य के अलग अलग शहरों में अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा ममता बनर्जी ने, मैंने भी छात्र राजनीति करी है लेकिन बीजेपी की साजिश सफल नहीं होगी। दर्शकों एक बार हाईलाइट्स पे ले चलेंगे आपको, हाईलाइट्स में यहां पर ममता बनर्जी की बड़ी बातें। ममता बनर्जी ने क्या कहा है, 16 दिन से सीबीआई जांच जारी है, कहां गया अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हम सरकार से अपील करते हैं कि अभी अभी केंद्र सरकार एक बड़ा बिल पास करे और यहां पर एंटी रेप कानून बनाए और रेप के मसले पर, बर्बरता के मसले पर और बलात्कार के मसले पर सरकार का कड़ा कानून आना चाहिए। दर्शकों आपको बता दें अभी अभी जिस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर कई ऐसे महत्वपूर्ण बिल आए हैं, साथ ही भारतीय न्याय संहिता एविडेंस एक्ट के तहत जो जो नई मंजूरी केंद्र ने दी है उसके तहत हमने देखा कि अपराध का पर्याय अब नहीं है, अपराध अगर करेंगे तो केंद्र सरकार नहीं छोड़ेगी, जो नए कानून के तहत ये बातें लिखी गई है। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल की पूरी स्थिति सीबीआई और ईडी के हाथ में है, जनता को घबराहट हो रही है सीबीआई से। अभिषेक बनर्जी मतलब बेशर्मी की हद देखिए दर्शकों, अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि संदेश खाली पर भी बीजेपी ने यहां पर राजनीति की थी। ममता बनर्जी ने एक बार भी नहीं कहा कि उनके पुलिस ने प्रियंगु पांडे बीजेपी नेता के गाड़ी पर क्यों हमला कराया, 50 से 60 लोगों ने हमला किया है, वाटर कैनन यूज किया जा रहा है, बच्चों के सर फोड़े जा रहे हैं, जनता का सर फोड़ा जा रहा है, 100 छात्र घायल हैं। और ममता बनर्जी कहती हैं, साथ ही आपको बता दें महुआ मोइत्रा सबसे ज्यादा बेशर्मी की हद पार कर चुकी, कभी महुआ मोइत्रा जिन्होंने संसद तक को नहीं छोड़ा, उन्होंने क्या कहा सुनिए, उन्होंने कहा है कि ये जनता नहीं लग रही है, उनको बीजेपी हर जगह दिखाई दे रही है, ये बीजेपी नहीं है, बीजेपी के छात्र अलग है, जनता अलग है, डॉक्टर्स का अलग प्रदर्शन चल रहा है, किसको किसको आखिर महुआ मोइत्रा ये बताएंगे कि सभी लोग बीजेपी के हैं क्या, बंगाल में जो इतने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सभी बीजेपी के हैं क्या। आपको बता दें यहां पर 16 दिन बीत गए, कह रही ममता कहां है न्याय, कहां है जांच का असर कहां है, और कहती हैं भाजपा बंगाल को बर्बाद कर रही है। आगे सुनिए, कोलकाता के एमजी बाजार रोड पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग छोड़ी, एमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसद की कार पर पत्थर फेंके, ये लीजिए नहले पर दहला, यहाँ पश्चिम बंगाल में न्याय की मांग कर रहे लोगों की कारों में पत्थर फेंके जा रहे हैं, मतलब बेशर्मी की सारी हदें पार टीएमसी सरकार ने कर दी है, सरकार को बर्खास्त करने की मांग बीजेपी कर रही है और कांग्रेस में इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का साथ देती नजर आ रही है। आपको बता दें हमेशा से ही बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस रही, लेकिन पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं ममता की अराजकता देख करके आपने देखा अधीर रंजन चौधरी ने भी कहीं ना कहीं बीजेपी का इनडायरेक्टली साथ दिया और कहा कि ममता ने पूरे बंगाल को बदनाम कर दिया है। आगे सुनिए, ममता बोली कि पावर होता तो आरोपियों को मौत की सजा देते, हम विधानसभा सत्र बुलाएंगे। सोचिए जिस ममता ने आरोपियों को बचाने में कोई कोर कसर दर्शकों नहीं छोड़ी, वो कह रही हैं अगले महीने विधानसभा सत्र बुलाएंगे और इनके खिलाफ हम कड़े कानून लेकर आएंगे, फांसी की सजा के लिए 10 दिनों के भीतर एक बिल पारित करेंगे और उसको राज्यपाल को भेजेंगे, अगर बिल पास नहीं किया जाएगा तो हम राजभवन के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। आपने सुना, मतलब ममता बनर्जी को न जाने क्या लग रहा है, इनके खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि हम कानून बनाएंगे। अरे भैया आपके खिलाफ प्रदर्शन है, आपके राज्य में डॉक्टर बिटिया के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है और ये साहस कहीं ना कहीं आपने दिया है, यही वजह है कि हॉस्पिटल में इतने हजार लोग आकर तोड़फोड़ करते हैं, कहां थी बंगाल पुलिस, यही वजह है कि बंगाल पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी तेज होने लगी। पुलिस आयुक्त विनीत गोयल पर भी जांच की आंच आएगी और सुनिए यहां पे राज्यपाल को कह रही है कि जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, जबकि राज्यपाल ने खुद कहा कि मैं मजबूर हूं पश्चिम बंगाल की स्थिति को देखते हुए कुछ एक्शन लेने के लिए। दर्शकों सुकांता मजूमदार बीजेपी नेता, बीजेपी नेत्रियां, पश्चिम बंगाल की सभी ने राज्यपाल को चिट्ठी लिख दी है और अब देखने वाली बात इसमें यह हो जाती है कि राज्यपाल कब एक्शन लेंगे, क्या वाकई ममता बनर्जी इस बार कहीं ना कहीं मात खाएंगी, क्योंकि ममता बनर्जी का समय पूरा हो रहा है ऐसा बीजेपी कह रही है। अब डॉक्टर बिटिया के साथ जो हुआ, अगर ममता बनर्जी ने यह साथ दिया होता तो ममता के खिलाफ इतने स्वर एक साथ नहीं उठते। और ममता ने साफ किया है कि भाजपा एआई का इस्तेमाल करके अपराध कर रही है, आपको मैंने बताया ट्रेनें रोकी जा रही है, पूरे बंगाल बंद का असर व्यापक तौर पर दिखने लगा है और 12 घंटे का यह बंगाल बंद है। अब इस पर
क्या कहती हैं ममता बनर्जी, हाथ पर क्या आता है, अब तो कुछ रहा नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी किस तरीके से अपने आप को बचाती है देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल दर्शकों, आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पूरी जांच चल रही है, अब ईडी भी यहां वित्तीय अनियमितताओं को लेकर हॉस्पिटल की जांच कर रही है, सीबीआई केस की जांच कर रही है, सरकारी एजेंसियां तत्पर है। आपकी क्या राय है? बंगाल से अगर आप हमें देख रहे हैं, बताइए क्या स्थिति है वहां पर, प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ कितनी क्रूरता हो रही है, लाठी बरसाए गए, गोले दागे गए, मारा पीटा गया है, और कोई कर कसर बंगाल में टीएमसी ने नहीं छोड़ा है। फेलियर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री साबित हुई हैं। आपकी क्या राय है, आप कमेंट में बताइए। शुक्रिया।